ये मंगल ग्रह है और ये मानवीय जीव एक मार्शियन कॉकरोच है। कामेची और उसकी प्रेमिका निकिता ने इसे देखा और सोचा कि ये किसी प्रकार का एलियन है। कामेची उससे संवाद करना चाहता है, लेकिन कॉकरोच जल्दी से निकिता की गर्दन तोड़ देता है और फिर गायब हो जाता है। कामेची निकिता के शरीर को वापस अपने अंतरिक्ष यान में ले जाता है, जहां वो कप्तान से सवाल करता है कि बाहर का प्राणी कहां से आया है। कप्तान चालक दल को सच्चाई बताता है, मंगल पर जीवन स्थापित करने के लिए मानव जाति ने 500 साल पहले काई और कॉकरोच को मंगल ग्रह पर पहुंचाया था। काई ऑक्सीजन पैदा करती है और कॉकरोच पूरे ग्रह में काई फैलाते थे। आज मंगल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है और वो जीवन के लिए तैयार है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कॉकरोच म्यूटेट हो जाएंगे। मार्स पर मानव जाति के कब्जे के लिए उन्हें अब इन कॉकरोचेस का सर्वनाश करना होगा। म्यूटेटेड कॉकरोचेस को हराने के लिए डॉक्टर होंडा उनमें से प्रत्येक को एक विशेष डीएनए इन्फ्यूजन देते हैं। ये इन्फ्यूजन उन्हें विभिन्न महाशक्तियों के साथ विभिन्न कीड़ों में बदल सकता है। तभी एक कॉकरोच अंतरिक्ष यान पर रेंगता है और कांच को अपने सिर से मारता रहता है। जैसे ही शीशा टूटता है, कॉकरोच अंतरिक्ष यान के भीतरी भाग में प्रवेश कर जाता है।